Hey guys, welcome back on another week update. जिसमें बात करते हो पिछले एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आए हुआ सारे मूवी सीरीज के बारे में जिसमें क्रेडिट होगा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। बाकी सारे जितने भी लैंग्वेज के मूवी सीरीज है उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मेरा जो ऑडियंस है वो हिंदी का ही है तो मैं दूसरे लैंग्वेज के बारे में क्यों बात करूं। और मैं जितने मूवी सीरीज का नाम बताऊंगा वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, उसका रेटिंग क्या है और वो कौन से जॉनर के हैं और वो हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, वो सारे चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगे। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो तुम्हें फ्रेम पे दिख जाएंगे, देख लेना। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं वही अपना इंट्रो के साथ। तो हमेशा की तरह पहले चलेंगे मूवीज पे। नंबर वन द फास्ट वुमन, एआई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जिसका रेटिंग 6.6 और एक हॉरर इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में नहीं मिलेगा। नंबर टू विनायक दामोदर सावरकर, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे जो अखंड भारत बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। और अगर तुम्हें जानना है क्या कुछ किया था उसके ऊपर पूरा मूवी आ चुका है। और भी ब्रिटिश के खिलाफ जितने सारे फाइट हुआ था उनमें उनका योगदान काफी था और वो सबसे मिले थे, गांधी जी से लेकर नेताजी सबके साथ उन्होंने काम किया है और कुछ लोगों के खिलाफ थे और कुछ लोगों के साथ। तो तुम अगर जानना है इनके बारे में, इनका पूरा बायो आ चुका है जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर, जो आया है G5 पे, जिसका रेटिंग 7.7, रेटिंग बहुत ही अच्छा है और एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री हिंदी मूवी है। नंबर थ्री इमेजिनरी, यह है गूगल प्ले पे। हाँ, गूगल प्ले पे भी आजकल मूवी आ रहा है जिसका रेटिंग 4.7 और एक हॉरर ड्रामा इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में नहीं मिलेगा। नंबर फोर ऑल इज फेयर इन लव, यह है प्राइम वीडियो पे, जिसका रेटिंग दिया नहीं हुआ है और नाम से तुम्हें समझ आ ही रहा है एक रोमांस ड्रामा इंग्लिश मूवी है, शायद तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा। नंबर फाइव गागा क्रोमोटिका बॉल, यह है जियो सिनेमा पे, जिसका रेटिंग 8.3 और एक म्यूजिक इंग्लिश मूवी है, ये मैंने नहीं देखा। ये हो सकता है लेडी गागा जो सिंगर है उन्हीं के ऊपर है, उनके ऊपर शायद एक डॉक्यूमेंट्री है या फिर क्या कुछ है, मुझे पता नहीं, पर तुम अगर देख रखे हो तो जरूर बताना कि कैसा है। नंबर सिक्स मूवी पास मूवी कैश, यह है जो सिनेमा पे, जिसका रेटिंग 6.8, रेटिंग अच्छा है और ये भी एक डॉक्यूमेंट्री कॉमेडी क्राइम इंग्लिश मूवी है, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये कोई स्कैम के ऊपर है जहाँ पर मूवी पास दिया जाता था ताकि तुम मूवी देख सकते हो हर हफ्ते या फिर हर महीने ऐसे करके, मुझे पता नहीं इसके बारे में, ये अमेरिका में चालू हुआ था शायद। नंबर सेवन अपना जो मेन कैरेक्टर है वो एक एक्शन हीरो बनना चाहता है और उसके लिए वो ऑडिशन भी देता है और भी काफी कुछ करते हैं ताकि उसे एक्शन रोल के लिए कास्ट किया जाए, बट अचानक से वो एक दिन किडनैप हो जाते हैं और उसे लगता है कि ये सब एक सेटअप है। बट धीरे धीरे जब उसके लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है और उसके ऊपर खतरा आने लगता है तो उसे समझ आता है नहीं, ये कोई सेटअप नहीं है, ये उसके ऊपर खतरा आ चुका है, उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो भी विलेन बंदूक लेके। तो उसके बाद आगे जाके क्या होगा ना होगा तुम अगर देखना चाहते हो देख सकते हो, मूवी का नाम है डाई हार्ड 2 और ये आई प्राइम वीडियो पे, जिसका रेटिंग 4.3 और एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। देखो रेटिंग खराब है पर तुम्हें देख के मजा आएगा, तुम्हें हंसी आएगा। नंबर एट द लास्ट राइफलमैन, यह है जियो सिनेमा पे, जिसका रेटिंग 6.5 और एक बायोग्राफी ड्रामा वॉर इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में नहीं मिलेगा। नंबर नाइन एक स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं जिनका अपने बर्थडे के दिन ही मर्डर हुआ है। चलो अच्छा है, जिस दिन दुनिया में आए थे उसी दिन दुनिया से चले गए। और जब वो सबके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं तब उसे पता चलता है कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो अब उसे ढूंढ कर निकालना है इस मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है और क्या वो ढूंढ पाएंगे, वो जाने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा मूवी जिसका नाम है हाउस ऑफ लाइज। यह है G5 पे, जिसका रेटिंग 6.5, रेटिंग अच्छा है और एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा हिंदी मूवी है। हाँ ये हिंदी मूवी है, इस सेम नाम से एक इंग्लिश मूवी भी है बट ये हिंदी में। नंबर 10 एक शादीशुदा लड़का अपनी बहन की शादी करवाना चाहती है और उसके लिए उसे दहेज देना है बट उसके पास पैसे नहीं है, ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली, बट उसके पास जमीन है और वो जमीन बेचकर अपनी बहन की शादी में दहेज देना चाहता था, बट जब वो बेचने जाता है तो उसे पता चलता है वो जमीन में कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए वो पुलिस के पास जाते हैं, केस बेस होते हैं और उसके बाद बहुत कुछ होता है जिसके बाद उसे भी जेल में जाना पड़ता है। तो हाँ मिडिल क्लास फैमिली में दिक्कत हर काम में दिक्कत आता ही है। देखो मैं यही कहूंगा लड़की की शादी के लिए तुम्हें दहेज देने की जरूरत क्या है, उनको पढ़ाओ, उनको एक अच्छा पोजीशन दिलाओ, फिर लड़के आएंगे उससे शादी करने, भाई उन्हें जाने की जरूरत नहीं है और ना पैसे देने की जरूरत है। पर जो भी हो ये फैमिली में क्या होगा ना होगा वो तो मूवी देख के जानो। मूवी का नाम है डेढ़ बीघा जमीन, जो आया जियो सिनेमा पे, जिसका रेटिंग 7.2 और एक ड्रामा फैमिली हिंदी मूवी है। नंबर 11 ओरिजिनल गॉडजिला मूवी तो अब आया है जो कि ऑस्कर भी जीता है। लिटरली ये मूवी तुम्हें हॉरर फील देगा और साथ ही साथ तुम्हें रूल आएगा भी। हॉलीवुड का जो गॉडजिला है वो तुम्हें एक्शन दिखाता है बट इसमें तुम्हें इमोशन दिखेंगे और ये भी शायद एक फ्रेंचाइजी बनेगा या फिर हो सकता है पूरा यूनिवर्स ही बने, बट जो भी होगा मजा आएगा। और सिंपल सी बात ये बोलूंगा ये मूवी कमाल का है, तुम अगर अभी तक नहीं देखो तो जल्दी से जाके देखना, जिसका नाम है गॉडजिला माइनस वन। ये है नेटफ्लिक्स पर, जिसका रेटिंग 7.9 और एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा हॉरर साइंस फिक्शन जापानीज मूवी है जो कि तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना, ये कमाल का मूवी है सीरियसली। नंबर 12 और इसी के लास्ट मूवी जिसका नाम है एलियन, यह है जियो सिनेमा पे, जिसका रेटिंग है 6 और एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर
इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं सीरीज नंबर वन। एक सिंपल सा गांव है और जिसके अंदर एक पंचायत है और जो शुरुआत है छोटा छोटा प्रॉब्लम को लेके, लेकिन आज वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो चुका है। इलेक्शन आ चुका है, उसमें आजकल बंदूक की गोलियां भी चल रहा है और एक्शन भी हो रहा है। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर है वो लोगों के अंदर घुस चुका है और इमोशन बन चुका है, जिसका नाम है पंचायत सीजन 3। हाँ, इसका सीजन 3 आ चुका है। तुमने अगर अभी तक नहीं देखा क्या ही कर रहे हो भाई, मिस करो, बहुत तगड़ा चीज। यह है प्राइम वीडियो पे जिसका रेटिंग है 9 और एक कॉमेडी ड्रामा हिंदी सीरीज है। नंबर 2 इलीगल सीजन 3। यह है जियो सिनेमा पे जिसका रेटिंग है 8। नाम से तुम्हें समझ आ रहा है एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर हिंदी सीरीज है। हाँ, हिंदी है, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, तुमने अगर देखा है तो जरूर बताना। नंबर 3 एक घिनौना एजेंट चलाने वाला एक मैनेजमेंट कंपनी बहुत बड़े बड़े टिकटॉक डांसर को हायर करता है ताकि उनको मैनेज कर सके, और ये जो मैनेजमेंट कंपनी एक चार्ज के साथ जुड़ा है इसलिए लोग ट्रस्ट भी कर लिए। बट जब इसका घिनौना सच सामने आया तो लोग शॉक्ड हो गए, जिसका नाम है डांसिंग फॉर द डेविल द 7 मिलियन टिकटॉक कल। यह है नेटफ्लिक्स पर जिसका रेटिंग है 6.2 और एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश सीरीज है। नंबर 4 सिंगिंग आर्टिस्ट का रिच लाइफ तो सबको दिखता है बट उसके पीछे जो मेहनत है वो ज्यादा किसी को पता नहीं होता, तो इसलिए डिज्नी वालों ने बहुत सारे आर्टिस्ट को हायर करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनका करियर, उनका स्ट्रगल और उनका फास्ट लाइफ किक से लेकर उनका लाइफस्टाइल, हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है और इसी के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट्री बना दिया गया है। और तुम्हें भी अगर इनके स्ट्रगल के बारे में जानना है या फिर इनके लाइफ के बारे में जानना है तो देख सकते हो ये सीरीज जिसका नाम है कामडीन। यह है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जिसका रेटिंग है 7.4 और एक डॉक्यूमेंट्री म्यूजिक इंग्लिश सीरीज है। नंबर 5 लोगों की किस्मत बदलने में देर नहीं लगता। तो ऐसे ही होता है एक लड़की के साथ जो कि टीनेजर स्कूल गर्ल है, बट वो एक दिन मॉडर्न आर्ट गैलरी में जाता है और जहाँ पर जाके वो ऐसे घूमता फिरता रहता है, उसी टाइम एक डिजाइनर की नजर उसके ऊपर पड़ता है और उसे मॉडलिंग के लिए अप्रोच करता है, और उसका इंटरेस्ट मॉडलिंग पे होने की वजह से वो भी राजी हो जाता है और वो बहुत पॉपुलर मॉडल भी बन जाती है। और अब उसे मैनेज करना है अपना स्कूल लाइफ भी, जहाँ उसे पहले बुली किया जाता था और एक अमीर लड़का उसके पैर में गिर गया है, और उसे अपना मॉडल करियर भी संभालना है। तो ये सारे चीजों को कैसे मैनेज करेगी, क्या कुछ करेगी और उसे अपना क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो जाने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा गीक गर्ल। यह है नेटफ्लिक्स पर जिसका रेटिंग 6.3 और एक कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश सीरीज। नंबर 6 एक छोटा बच्चे के बेड के नीचे एक मॉन्स्टर रहता था और वो उसका ड्रॉइंग भी करता है, और एक दिन वो मिसिंग हो जाता है, जिसके बाद पुलिस और उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने की कोशिश करता है बट कोई क्लू नहीं मिलता। बट उसका जो फादर है एक दिन वो ड्रॉइंग देखता है और उसे एक क्लू मिलता है, और उसी क्लू के जरिए क्या वो अपने बच्चे को ढूंढ के निकाल पाएंगे कि नहीं और उस मॉन्स्टर के पीछे क्या कुछ कहानी है वो जाने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा ये सीरीज जिसका नाम है एरिक, जो आया नेटफ्लिक्स पर जिसका रेटिंग है 7 और एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर इंग्लिश सीरीज है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगी। नंबर 7 विजिल सीजन 2। यह है लायनगेट प्ले पे जिसका रेटिंग 7.4 और एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर इंग्लिश सीरीज है। नंबर 8 लॉ एंड ऑर्डर टोरंटो। यह है जियो सिनेमा पे जिसका रेटिंग 7.2 और एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री इंग्लिश सीरीज है। नंबर 9 यह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है, इसे एक मूवी को समझने के लिए तुम्हारे सामने एक पूरा सीरीज रखा गया है ताकि आने वाला मूवी को तुम और अच्छे से समझ सको। आने वाला मूवी का नाम है कल के 2898 AD, और उस मूवी को देखते टाइम तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तुम उसके वर्ल्ड को ज्यादा अच्छे से समझ सको, और इसलिए एक सीरीज लॉन्च किया गया है जिसमें पोवाश के कैरेक्टर और उसका एक AI कंट्रोल व्हीकल दिखा जाएगा और इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को समझने में मदद करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है और काफी अच्छा चल रहा है। सीरीज का नाम है बुज्जी एंड वैरवा। यह है प्राइम वीडियो पे जिसका रेटिंग 7.9 और के एनिमेशन एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन तेलुगु सीरीज है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे, और इसका 2 ही एपिसोड आए और आगे कितने एपिसोड आएगा मुझे पता नहीं, बट हाँ अभी 2 ही आए और काफी अच्छा है। नंबर 10 फ्रॉग एंड टॉड सीजन 2। यह है एपल टीवी पे जिसका रेटिंग 7.9 और एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी फैमिली फैंटेसी शॉर्ट इंग्लिश सीरीज है, मतलब मिनी सीरीज, तुम अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। नंबर 11 और इसके लास्ट सीरीज जिसका नाम है एक्शन और ये आया जियो सिनेमा पे जिसका रेटिंग है 8.3 और ये भी एक डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश सीरीज है। तो जो भी हो यही था पूरा वीक अपडेट, आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया, अगर मिस कर दिया तो जरूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स में, और तुम इनमें से कौन से देख रखे हो ये भी बता देना, और मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबा देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो के साथ ना, बाय बाय, टेक केयर।